दोस्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें, यह काम नहीं तो बहुत पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है यह एक चीज आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें दोस्तों। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे, लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति है, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको ये पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वो बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सबसे बड़ी बात की ये जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वो धन उनका चला जाता है। जी हां दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय है, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। इसी के साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वो उपाय। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं
और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैव्य शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें समी के पेड़ की, तो समी का जो पेड़ होता है उसे शनि देव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े के पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं उसे निहारते तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार है। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है, धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है, वो जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं।